डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं, एयरक्राफ्ट तेजस में बैठे हैं। सीएम ने खुद वीडियो एक्स पर शेयर किया और लिखा है कि कर्नाटक के बेंगलुरु आकर अच्छा लग रहा है, यहाँ तेजस को देखकर आनंद आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ विजिट करके गए हैं और ये गौरवशाली क्षण है जब स्वदेशी एयरक्राफ्ट के माध्यम से भारत ने दुनिया में अलग दाग बनाई है। और साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए बैंगलोर और वहां से तस्वीरें उन्होंने शेयर की है। मिस इस संस्थान को मध्य प्रदेश में भी ब्रांच खोलने का आमंत्रण दे रहा हूं। आज कर्नाटक बैंगलोर आकर बहुत अच्छा लगा और ज्यादा आनंद तब आया जहां तेजस का अलग अलग प्रकार से हमारे देश का जो गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं विजिट करके गए हैं और ये गौरवशाली क्षण है जो हम स्वदेशी एयरक्राफ्ट के माध्यम से हम दुनिया में अपना एक अलग धाक बनाने में सफल हुए। मेरी अपनी ओर से इस संस्थान से जुड़े सभी मित्रों को बधाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंचल, देखिए बेंगलुरु दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और वो तेजस में तस्वीरें तो शेयर की है, साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मैं संस्थान को मध्य प्रदेश में भी ब्रांच खोलने का आमंत्रण दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात हो जाएगी ये? डॉक्टर मोहन यादव और आज रात्रि भी विश्राम वही करेंगे और निवेश को लुभाने के लिए उन्हें आमंत्रण देने के लिए ही वो वहां पर गए थे और तेजस में बैठने के बाद उसकी बारीकियों को भी उन्होंने समझा और काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो ऐसा खुद भी अपने बयान में कह रहे हैं और उन्होंने आमंत्रण भी दिया है कि आप मध्य प्रदेश में आइए, निवेश करिए, आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको मध्य प्रदेश सरकार पूरा करेगी और इस तरीके के निवेश मध्य प्रदेश में भी आए। इसको लुभाने के लिए लगातार देखिए एक के बाद एक इस तरीके के इन्वेस्टर्स छोटी छोटी मीट कर रहे हैं क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर भी। इससे पहले वो मुंबई भी गए थे और इसके अलावा आज वो बेंगलुरु में हैं। तो निवेश को मध्य प्रदेश में लाने के लिए लगातार उनकी जो गंभीरता है वो दिखाई दे रही है और एक बड़ी इन्वेस्टर्स मीट बिल्कुल चल मध्य प्रदेश को किस तरीके से और आत्मनिर्भर किया जाए और विकास की गति में किस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसी गति में मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार काम कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए अंचल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।